हेलो कैनियंस, माय नेम इज ऋषि रोड़ा एंड यू आर वाचिंग वीक हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आई एम अगेंस्ट बॉडी शेमिंग। डजंट मैटर आप छोटे हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, आई डोंट केयर। यू ऑल गाइज आर ऑसम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी पहनो, कैसे भी पहनो चलेगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं, अगर उन 10 चीजों में से एक भी चीज अगर आप करते हैं देन वो आपको चू की कैटेगरी में डाल सकती हैं, देन भाई ये वीडियो लास्ट तक देखना। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। मैं वीडियो शुरू करता हूं। नंबर वन ऑन माई लिस्ट इज जिम में जीन पहन के जाना। सी भाई, अगर आप जिम में जीन पहन के जाते हैं ना देन आप जो इस वीडियो का टाइटल है ना उस कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि जीन्स को जिम में पहनने के लिए बनाया हुआ है? नहीं भाई, हर चीज़ को हर जगह के पहनने के हिसाब से बनाया गया है। वैसे भी जब हम जिम में वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं देन जो हमारा मेन एरिया होता है वहाँ पर बहुत पसीना आता है और जीन्स में कोई हवा का फ्लो नहीं होता। क्या होता है कि वहाँ पे पसीना और भी ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, जिससे क्या होता है कि रैशेस पड़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे भी जीन्स बहुत ही अनकंफर्टेबल होती हैं जिम में। इमेजिन करो कि आप वेट ट्रेनिंग करके उठे हो और बार बार ऐसे करी जा रहे हो, और ऐसे करता कौन अच्छा लगता है? आपके सामने कोई बार बार ऐसे करता है आपको अच्छा लगेगा? नंबर टू ऑन माई लिस्ट इज डीप वी नेक ऑन हेरी चेस्ट। इट लुक्स अनहाइजीनिक एज हेल। नहीं, कौन है वो इंसान जिसको किसी लड़के ने वी नेक पहनी है और उसके हेरी चेस्ट बिल्कुल क्लियर दिख रही है? ये किसको अट्रैक्टिव लगेगा? और अगर आपको भाई लगता है ना ये फैशन सेंस है और आप बड़े चौड़े होके अपने छाती के बाल शो ऑफ कर रहे हो, भाई दैट्स डिस्कस्टिंग। पहले तो अगर आप पतले हैं आपको वी नेक पहननी ही नहीं है, क्योंकि उसमें आप और भी ज़्यादा पतले दिखोगे। और अगर आप मोटे हैं आप वी नेक पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले भाई अपनी छाती की खेती का भी ध्यान रखो। नंबर थ्री पे बात करते हैं, वाइट बनियान पहन के बाहर घूमना। कुछ मेरे भाई वाइट बनियान पहन के रात को अपनी बीवी के साथ सैर पे निकल जाते हैं, कुछ मेरे भाई वाइट बनियान पहन के गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पसीना आ रहा होता है और अगर पाउडर लगाया हो वो पाउडर पसीने में मिक्स हो जाता है, वो एक पपड़ी सी बन जाती है, कहाँ से वो आपको हाइजीनिक लगता है? दैट्स अनहाइजीनिक। और वैसे भी अगर आप थोड़े फैटी हैं आप उसमें और भी ज़्यादा फैटी दिखते हो, और अगर आप पतले हैं आप उसमें और भी ज़्यादा पतले दिखते हो। और जो ये टीवी पे एड्स आती है ना, अपना लक पहन के चलो फिट है बॉस, भाई ये टीवी पे ही अच्छी लगती हैं। आप अपना लक नहीं पहन के चल रहे होते, आप कुछ और ही लगते हो, समझ ही जाओ बस। नंबर फोर पे है बॉक्सर्स। सी भाई, जीन्स की तरह बॉक्सर्स को भी एक सही जगह पे पहनने का ढंग है, लेकिन मैंने बहुत से भाइयों को देखा है वो मार्केट में ही ना बॉक्सर पहन के घूम रहे होते हैं। अगर भाई आप बॉक्सर शब्द को गूगल पे सर्च करोगे आपको विकिपीडिया पे सबसे पहली लाइन मिलेगी, इट्स अ मेंस अंडरगारमेंट। यस, अंडरगारमेंट यानी कि कपड़ों के नीचे पहनना है। और आप कपड़ों के नीचे पहने बहुत कंफर्टेबल है, बॉक्सर पहनने के बहुत फ़ायदे हैं, रैशेस कम होते हैं, एयर फ्लो ज़्यादा रहता है, गर्मियों में तो मैं कहना नहीं आ रही है। नंबर पाँच पे है सनग्लासेस इनसाइड। सी भाई, सनग्लासेस यानी कि धूप में पहनने वाले चश्मे, लेकिन मैंने बहुत बार देखा मेरे बहुत से भाई मॉल्स के अंदर ही चश्मे पहन के घूम रहे होते हैं, या फिर शादियों के हॉल्स के अंदर ही सब चश्मे पहन के घूम रहे होते हैं, कई तो रात को ही शादियों पे चश्मे पहन के पहुंच जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंडियन लड़कियों से पूछा था कि उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इंडियन बॉयज़ में जो उन्हें टर्न ऑफ करती हैं। आंसर आप खुद ही सुन लो। जो लांदी के अंदर आते शीट्स डाल के आते और बच्चे भी कहते रागी आते एंड देन यू नो गिव इट इन एज इफ कि वो आज यहां के रात है इन द फैशन आइटम्स। सो या आई मीन जस्ट अ मैसेज फॉर देम कि गाइस इट्स नॉट कूल टुडे और इट तो धूप नहीं है यार, क्यों लगा रहे हो शीट के रिकॉर्डर द गाय बिहाइंड वेयरिंग शीट्स इन टाउन एंड
सनग्लासेस मॉल्स में। नंबर 6, 7, 8 को मैंने इकट्ठा ही सम अप किया है क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। वो क्या है कि जीन्स के साथ वो गर्मियों वाले सैंडल पहनना, सैंडल्स के साथ सॉक्स पहनना, और मेरे बहुत से भाई तो कोट पेंट के साथ ही स्पोर्ट शूज पहन लेते हैं। मुझे पता है मेरे बहुत से भाई शाम को ट्यूशन जाते हैं जीन्स के साथ वो गर्मियों वाले सैंडल पहन के। भाई मत पहना करो, लेकिन अगर आप फिर भी कंफर्टेबल रहना चाहते हो और स्टाइलिश दिखना चाहते हो भाई, फ्लिप फ्लॉप पहनो, स्पेशली वाइट कलर में। वाइट कलर ऑलवेज लुक ऑसम, लेकिन अगर आपका स्किन टोन डार्क है देन डार्क कलर में फ्लिप फ्लॉप्स पहनो। मैंने शादियों में बहुत से लोगों को ना ऊपर कोट पेंट पाया होता है, नीचे स्पोर्ट शूज पाए होते हैं, और जलेबी पे जलेबी खा रहे होते हैं, गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन खा रहे होते हैं। भाई गुलाब जामुन जितने मर्जी खाओ, लेकिन कोट पेंट के साथ ना कभी भी स्पोर्ट शूज ना पाओ। पाओ इज अ पंजाबी वर्ड, मैंने राइम करने के लिए बोल दिया खाओ पाओ, जिसका मतलब है डालो, यानी कि गुलाब जामुन मिठाई जितनी मर्जी खाओ शादियों पे, लेकिन कोट पैंट के साथ कभी भी स्पोर्ट शूज ना डालो। नंबर 9 ऑन माय लिस्ट इज स्टैंडिंग कॉलर। अब नंबर 9 पे ना मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, ये गलती मैंने भी 11वीं 12वीं में बहुत बार की है। स्कूल में ना ऐसे कॉलर खड़े होके चौड़े से तुरते होते थे, और शाम को ट्यूशन पे ना ऐसे कॉलर खड़े होके, केमिस्ट्री की ट्यूशन मुझे अभी भी याद है, वो मैं छत पे जाता होता केमिस्ट्री की ट्यूशन स्टैंडिंग कॉलर करके जाना। लेकिन अब रियलाइज़ होता है ये एक फैशन डिजास्टर था। ठीक है, कोई माँ के फेर से थोड़ी बंदा कोई स्टाइल सीख के आता है, फिर क्या हो गया करती। तो ये थी वीडियो, ऐसी 10 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है ताकि आप इस वीडियो की टाइटल वाली कैटेगरी में ना हो। और अगर आपको लगता है आप इन 10 चीज़ों में से एक भी चीज़ कर रहे थे तो फिर क्या हो गया, इंसान गलतियों का पुतला है, मैंने भी किया है, आप कर रहे हो, तो फिर क्या हो गया, हम इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, इसीलिए तो ये चैनल शुरू किया है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको लगता है ना आपका कोई दोस्त इन 10 में से एक भी गलती कर रहा है, उसके साथ शेयर करो, उसको बताओ, क्योंकि मुझे पता है जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोग, आप भाई मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हो। और इन फ्यूचर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं इंडियन मैन फैशन एंड लाइफस्टाइल के रिलेटेड, देन भाई वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पे भी जरूर क्लिक करना। माई सेल्फ ऋषि रोड़ा साइनिंग ऑफ, एंड एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ऑसम। दैट्स ट्रू मैन।